नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करेंगे यूपी 75 का। राम जन्मभूमि परिसर में नींव की भरवाई का काम तेज, इंजीनियर विशेष तकनीक से कर रहे हैं निर्माण कार्य। यूपी के सभी जिलों में 4 जून से होगी सीरो सर्वे की शुरुआत। सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि कितनों में बनी कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज। पंचायत चुनाव में ड्यूटी की तिथि से 30 दिन में जान गंवाने वाले कर्मियों के आश्रितों को 30-30 लाख रुपए देगी योगी सरकार। चार करोड़ कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। योगी कैबिनेट ने मंजूर की यूपी सीएम बाल सेवा योजना, कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगा 4000 रुपए महीना। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में मचा हड़कंप, प्रसपा जिलाध्यक्ष को गांव के लोगों ने मारी गोली, विवाद और गोलीकांड का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ की अवैध दवाओं के साथ में अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या से मचा हड़कंप, ग्रामीण हत्या की जता रहे आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में रास्ते में मिट्टी डालने के विरोध में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, घटना की जांच में पुलिस जुटी। बुलंदशहर में किशोरी का शव कुएं में फंदे से लटका हुआ मिला, किसानों ने परिजनों व पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। रायबरेली में तेज रफ्तार मोरंग से लदा हुआ ओवरलोड ट्रक पलटा, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। औरैया के एरवा कटवा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज के दौरान मौत। अलीगढ़ में 2 समुदायों के बीच में हुआ विवाद, गांव के व्यक्ति की तहरीर पर समुदाय विशेष के 11 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। अलीगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन की कचरे में फेंकी गई 29 सिरिंज, मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर केस दर्ज किया। औरैया के दिव्यापुर थाने में तैनात उप निरीक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत, राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई घटना की जानकारी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश के चलते गाड़ी सवार बदमाशों ने फायरिंग करते हुए युवक का किया अपहरण, पुलिस ने दिया मामले की जांच के आदेश। गोरखपुर में तमंचे के बल पर बदमाशों ने ग्राहक सेवा संचालक के दफ्तर में की लूट, घटना को अंजाम दिया, विरोध करने पर बदमाशों ने की मारपीट, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। जालौन में सिलेंडर लीक होने से हादसा, गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कानपुर देहात में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में टीम 9 की समीक्षा बैठक, बैठक में कोरोना महामारी को लेकर की गई चर्चा। कानपुर देहात में विधायक प्रतिभा शुक्ला ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया, कोरोना गाइडलाइंस के पालन के निर्देश।
कानपुर देहात में पुलिस ने पूछताछ के दौरान तमंचे से किया छात्रों पर हमला। छात्रों ने आक्रोशित सिपाहियों के साथ की मारपीट। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में शादी का झांसा देकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मामले में पुलिस ने दो महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर किया धरना प्रदर्शन। बिना वैक्सीनेशन परीक्षाएं करवाए जाने का विरोध। लखनऊ में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर की कार्रवाई की मांग। मैनपुरी के वेवर क्षेत्र में गाड़ी और साइकिल सवार की टक्कर। टक्कर में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैनपुरी के भोगांव तहसील में एक कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम प्रधानों को कपिल मुनि संस्थान ने बांटा मास्क और सैनिटाइजर। कार्यक्रम में एसडीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। हमले में एक युवक की मौत जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमीरपुर ओवरलोड वाहनों पर जिला प्रशासन का चला चाबुक। एसडीएम ने चेकिंग के दौरान एक दर्जन से ज्यादा ट्रकों को किया सीज। आगरा पुलिस और आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान। शराब के ठेकों की सघन चेकिंग की जा रही है। खामियां मिलने पर आगरा डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बदायूं के थाना हजरतपुर की पुलिस हुई बेलगाम। 150 रुपए के पीछे पूर्व प्रधान के सिर पर डंडा मारकर किया लहूलुहान। आजमगढ़ में देखरेख के अभाव में मवेशियों का बुरा हाल। सूखे से तड़प कर मर रही गाय। गाय की मौत के मामले में सचिव पर की गई कार्रवाई। आगरा में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। कुकर्म के बाद ब्लेड से काटा था 9 वर्षीय बालक का गला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरैया में दिनदहाड़े हुई लूट की मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लुटेरों की रतनपुर के जंगल से गिरफ्तारी। पुलिस ने नकदी समेत तमंचा कारतूस बरामद किया। आगरा पुलिस चोरी की घटना पर नहीं हो रही गंभीर। करीब एक महीने से ज्यादा होने के बाद भी पुलिस को नहीं मिल पाया चोरों का सुराग। विवेक कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के नए कृषि निदेशक। सेवाकाल अधिक होने का मिला लाभ। बहराइच में महिलाओं ने दिखाया साहस। घाघरा नदी में डूब रहे एक बालक को निकाला, एक हुआ लापता। लखनऊ में 7.5 लाख रुपए जेवर संग दो चोर हुए गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर के फ्लैट में की थी चोरी। बहराइच में सड़क पार करते हुए मादा तेंदुआ दिखा। तेंदुआ देखकर राहगीर हुए रोमांचित, साथ ही तेंदुए का बनाया वीडियो। वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर में गोयन का छात्रावास का एक हिस्सा गिरा। दो लोगों की हुई मौत। भदोही में कोरोना वायरस का टीकाकरण न करवाने वालों को रोक दे राशन। निगरानी समिति का कोटेदारों को निर्देश जारी। चंदौली में खरीफ सत्र की चल रही तैयारी। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग व खाद कंपनियों के अधिकारियों के साथ में की बैठक। समय से खाद की आपूर्ति का निर्देश।
चंदौली जिले में गेहूं खरीद की प्रक्रिया नहीं है सुचारू, खलिहान में ही सड़ गया गेहूं, क्रय केंद्रों पर नहीं हो सकी गेहूं की खरीद। बलिया में गंगा की लहरों में बहा डंप, करोड़ों का अवैध लाल बालू, तस्करों को हुआ करोड़ों का नुकसान। राजधानी ट्रेनों के पायलट मालगाड़ी की बढ़ाएंगे रफ्तार, रेलवे की आय बढ़ाने के लिए पहल। गाजीपुर जिले में मोरंग के अवैध कारोबारियों को छूट, अवैध बालू का फल फूल रहा कारोबार। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 302 मरीज हुए ठीक, मिले मात्र 32 नए पॉजिटिव केसेस। गोरखपुर में 49 व्यापारी संगठनों की मांग, रोस्टर के अनुसार दुकानें खोलने की मिले अनुमति। गोरखपुर में चुनावी रंजिश में मनबड़ों ने दो भाइयों को गोली मारी, एक की हुई मौत। गोरखपुर में डीजीपी तक पहुंची फेसबुक पर युवक की असलहे के साथ वाली फोटो, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर को लगी गोली, दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए फरार। कोविड-19 के खिलाफ कवि कुमार विश्वास की जंग, गांवों में भिजवा रहे हैं निःशुल्क कोविड केयर किट। प्रयागराज में ससुराल वालों से नाराज होकर महिला अपने 8 महीने के बच्चे को साथ लेकर गई, महिला को आरपीएफ की सक्रियता से हावड़ा रेलवे स्टेशन पर बरामद किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से प्रयागराज में प्याज टमाटर के थोक भाव में कमी, खुदरा कीमत भी गिरने की आशंका। कोरोना महामारी के दौर में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी ने 10,000 कार्यकर्ताओं से किया ऑनलाइन संवाद। ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन की सप्लाई मामला, जांच के लिए प्रयागराज आएगी कानपुर की पुलिस। कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में भिड़े प्रयागराज के स्थानीय नेता, दफ्तर में गाली गलौज और बाहर की हाथापाई। ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता, बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर से मेरठ आ रहे हैं मरीज। मेरठ में नए सिरे से होंगे सीएचसी के ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर, 20 की जगह 60 लाख होंगे खर्च। मेरठ में मस्जिद में चल रहे अवैध निर्माण को रोकने गई पुलिस से धक्का मुक्की, 5 लोग गिरफ्तार। मेरठ में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर केएमसी अस्पताल के सुपरवाइजर ने किए थे बड़े खुलासे, जांच टीम ने मांगा रिकॉर्ड। बिजनौर में पति की 13वीं पर पत्नी ने भी तोड़ा दम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। आगरा में कोरोना वायरस से एक्टिव केसेस 300 से कम, आज से खुल गए बाजार।
सुल्तानपुर में अज्ञात लोगों ने महिला सहायक विकास अधिकारी पर किया हमला। आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। कोटा चयन को लेकर बताई गई नाराजगी। प्रतापगढ़ में शादी से पहले तमंचे से फायर करके जयमाल का नई नवेली दुल्हन ने किया आगाज। घटना का वीडियो वायरल। एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। यूपी के बुलंदशहर में 54 साल के व्यक्ति की निर्मम हत्या। शराब पिलाकर पीट पीट कर हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में संदिग्ध हालात में युवक की मौत। बिजली के तार में चपेट में आने से हुई मौत की आशंका। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। आगरा में पंचायत चुनाव के रंजिश में पथराव। ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या का प्रयास। आगरा नगर निगम के जोनल कार्यालय साबित हुए कारगर। जल्द हो रहा शिकायतों का निस्तारण। बीमार किशोरी से कंपाउंडर ने की छेड़छाड़। पीड़ित पक्ष के घर पर हंगामा और पथराव। बरेली के 1405 गांवों को 2 साल में नल से मिलने लगेगा पानी। ग्रामीणों को निःशुल्क दिया जाएगा कनेक्शन। प्रतापगढ़ में दबंगों ने एसएसपी जवान की पुरानी रंजिश में की जमकर पिटाई। एसएसपी जवान को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में 8 वर्ष से 44 साल तक के युवाओं का टीकाकरण शुरू। युवाओं के टीकाकरण के लिए शहर में 7 सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 9 सीएचसी में किया गया इंतजाम। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी। शराब कांड पर बोले, दोषियों पर एनएसए की होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में काफी समय से फरार चल रहे डॉक्टर अनिल राज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मरीजों पर अपना दबाव बनाकर अपने मेडिकल स्टोर से खरीदवाई थी दवाएं। मुरादाबाद में वैक्सीनेशन के बाद हुई महिला अकाउंटेंट की मौत। परिजनों ने लगाया आरोप। सीएमओ ने शुरू की जांच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।